बाकी इटर्नल्स को ढूंढना होगा। उनमें से कुछ को तो मैंने सदियों से नहीं देखा। तुमने सुना स्प्राइट? कॉलेज रियूनियन। इतने साल में बनता है ये ग्रुप, बहुत ही अनोखे लोगों का है, और चूंकि हम 10 लोग हैं तो ये एक बड़ी जॉइंट फैमिली है जहाँ नोक झोंक चलती रहती है। दुनिया खत्म होने का तमाशा शुरू, चलो हमें ताली बजाने का काम तो मिला। बताया दुनिया बचाने में क्या काम नहीं आएगा तुम्हारा एटीट्यूड। सर्सी किसी भी चीज का रूप बदलने की पावर रखती है, और काफी लंबे वक्त से उसका और इकरिस का रिश्ता बनता बिगड़ता रहा है। तुम दोनों का रिश्ता कितने साल चला? 5000 साल। इतने में हमारे यहाँ 60 जन्म हो जाते हैं। इकरिस एक वफादार योद्धा है। ये तो सुपरमैन है, अपने केप पहन रखा था, आपकी आँखों से लेजर भी निकल रही थी। मैं केप वेप नहीं पहनता। फास्टोस किसी भी तरह की तकनीक से कुछ भी बना सकता है। जितने कहे थे उससे ज्यादा डिविंस थे। अच्छा, फिर तो तुम्हें मजा आ गया होगा। बहुत मजा आया। थीना युद्ध की देवी है, वो कई तरह के हथियार बना लेती है जो देखने लायक है। गिलगमेश एक रक्षक है, उसकी खासियत है उसका महाबली मुक्का। यह है मकारी, हम लोग इससे सदियों से नहीं मिले हैं। मकारी बिजली से भी तेज है और वफादार भी। स्प्राइट में मायावी शक्ति है, सीधे मुंह बात नहीं करती, खास करके किंगो से। किंगो उन लोगों में से है जिन्हें खुद से प्यार होता है। किंगो द सुपरस्टार। मैं सिर्फ स्टार नहीं, डायरेक्टर भी हूँ। ड्रुइग माइंड कंट्रोल कर सकता है, वो बड़ा सिद्धांतवादी है, उसका सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा। नहीं ड्रुइग, हम उनके झगड़ों में दखल नहीं देते। और फिर आती है एजैग, उसे लीडर समझ लीजिए इटर्नल्स का, वो हर घाव भर सकती है। ये प्लैनेट, यहाँ के लोग, इन्होंने मुझे बदल दिया। ये सुपर हीरोज हमारी ही दुनिया का आईना है। हर कोई अलग है और बहुत स्पेशल। इटर्नल्स मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, और मैं ये दिल से बोल रहा हूँ। दर्शक एक ऐसी फिल्म देखने वाले हैं जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी होगी।